बीजेपी की पहली सूची जारी कर दी गई है जिसमें 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आशीष शेलार हैं जो मौजूदा में बांद्रा वेस्ट से विधायक है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, उम्मीद थी कि इस बार भी आपको टिकट मिलेगी। देखिए, पार्टी का निर्णय अंतिम निर्णय है, पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशी बनाया है तो पार्टी को सीट भी जिता के देंगे और वहाँ की जनता की सेवा बांद्रा खार और संतागुरु की जनता की जो की है और लगन से मेहनत से उसको और आगे करेंगे। हाँ सर, साथ ही जो आपके भाई हैं उन्हें भी टिकट दिया गया है मलाड़ वेस्ट से, उनकी क्या कुछ इस पे प्रतिक्रिया थी कि आपकी उन सबसे पहले बात हुई टिकट मिलने के बाद लिस्ट जारी करने? हमारी कोई आपस में बात नहीं हुई, वो भी पार्टी का एक पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, गत 30 सालों से वो पार्टी का काम कर रहा है, मूल स्वयंसेवक है और उसको भी मौका दिया गया है। मुझे लगता है वो भी वो सीट 100% जीतेगा, इससे मेरी संभावना और मेरी प्रतिक्रिया है। मुंबई की लगभग तमाम सीटों पर जो नाम है वो घोषित कर दिए गए हैं, अब भी कुछ सीट है जो बाकी है तो उसकी लिस्ट कब तक हम अपेक्षित कर सकते हैं? ये तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। और सर, साथ ही कहा जा रहा था कि बीजेपी में एक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग जो है वो लोगों में बनती जा रही है, इसके बावजूद जो प्रत्याशी हैं, जो नाम है उन्हें रिपीट किया गया है हर साल की तरह, जो पिछले बार थे उन्हें भी इस बार टिकट दी गई है, तो आपको लगता है कि ये एक रणनीति के तौर पर बीजेपी के लिए काम करेगा? जो जीत सकता है, जो अच्छा है, जो सबको साथ में लेकर चलता है, जिसको जनता का आशीर्वाद है, उसी को टिकट मिला है, ये मुझे आनंद का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने आशीष शेलार को सुना जिन्हें इस बार दोबारा बांद्रा वेस्ट से टिकट दिया गया है और इनका कहना है कि इस बार तमाम वो सीटें जहां पर बीजेपी के पहले से प्रत्याशी या विधायक रहे हैं वो इस बार भी जीतेंगे, ऐसा इनका कहना है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया।